स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम का क्या नाम है? ए वाइल्ड इंडिया फिल्म फेस्टिवल, बी इको वर्ल्ड फिल्म फेस्ट, सी हरित पृथ्वी महोत्सव, डी वातावरण। आंसर डी वातावरण। एक्सप्लेनेशन: पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम वातावरण का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण भवन नई दिल्ली में किया गया। 3 दिवसीय फिल्म समारोह का विषय वेटलैंड्स फॉर लाइफ है, जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की जागरूकता और संरक्षण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? ए 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर डी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। एक्सप्लेनेशन: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़कर 704.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी असेट का बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है और इनमें यूरो, पौंड और येन जैसे नॉन अमेरिकी करेंसी में बदलाव को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न: भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? ए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन, बी तिलहन और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन, सी राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, डी सतत कृषि मिशन। आंसर ए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन। एक्सप्लेनेशन: 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO ऑल सीड्स को मंजूरी दी। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न: बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नागपुर, बी पुणे, सी पोहरा देवी, डी मुंबई। आंसर सी पोहरा देवी। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी महाराष्ट्र स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले सभी लोगों से संग्रहालय देखने का आग्रह किया। 5 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर के बारे में है। पोहरा देवी महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया? ए लंदन, बी दुबई, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। आंसर बी दुबई। एक्सप्लेनेशन: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है।